फ्रेंड्स, क्या आप लोग नेटफ्लिक्स पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट्स वॉच करते हैं? अगर हाँ और वो आपका अपना सब्सक्रिप्शन है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है, सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं किसी और के सब्सक्रिप्शन पर, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वजह है, नेटफ्लिक्स एक नया फीचर लाएगा जिसके चलते ये एक खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूँ। खबर ये आ रही है, इफ़ यू डोंट लिव विद द ओनर ऑफ द सब्सक्राइब अकाउंट, यू नीड योर ओन अकाउंट टू कीप वॉचिंग। द वार्निंग स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेटफ्लिक्स सेज दैट द फीचर इज करंटली बीइंग टेस्टेड एंड हेंस इज ओनली सीन ऑन लिमिटेड नेटफ्लिक्स अकाउंट्स फॉर नाउ। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू हेल्प एंश्योर दैट पीपल यूजिंग नेटफ्लिक्स अकाउंट्स आर ऑथराइज टू डू सो। A Netflix spokesperson was quoted as saying, viewers can delay the verification and keep watching Netflix. The message may appear when they open Netflix again, and eventually they could be required to open a new account to continue streaming. During the features trial, users can verify they are allowed to access the account by a code sent via text or email. Netflix terms of service states that customers' account for the streaming service may not be shared with individuals beyond your household. This comes as Netflix's first major move against a very common phenomena where people share passwords in order to avoid the subscription fee, which is considered quite high by many users. तो ये एक खबर आ रही है, Netflix CEO Reed Hastings का कहना है, 2016 में said that password sharing is something that has to be learned to live with since there is so much legitimate पासवर्ड शेयरिंग। तो फिलहाल एक खबर आ रही है नेटफ्लिक्स से, माना ये जा रहा है 40% ऑफ द अमेरिकन से दैट दे यूज नेटफ्लिक्स विद लॉग इन एंड पासवर्ड एंड दैट डज नॉट बिलोंग टू देम। 72% ऑफ द पीपल इन फेब्रुवरी हैड सेड दे लेट समवन एल्स यूज देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू अ पोल बाय लेंडिंग फ्री। जिसके चलते नेटफ्लिक्स इस तरह का फीचर लेकर आ रहा है जिसमें कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ही उस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे या जो उनकी फैमिली के लोग हैं। तो उस फीचर की टेस्टिंग चल रही है जिसके चलते ये मामला आया है। तो आने वाले दिनों में अगर आप लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए किसी और के सब्सक्रिप्शन पर अगर नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। एक खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।